नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जेमिनाई यानी मिथुन राशि एंड लग्न वालों के लिए 2023 कैसा होने वाला है, आप लोगों का करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, एडुकेशन, हेल्थ, ये सब कैसा रहेगा आप लोगों के लिए 2023 में, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप के इस वीडियो को एकदम एंड तक पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को 2023 के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को मिल सके। साथ ही में अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। साथ ही में अगर किसी को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, तो आप लोग मुझे bookconsultation.one@gmail.com में आप लोग मुझे ईमेल भेज सकते हैं। एंड ईमेल भेजने के बाद ही आप लोग मुझसे मैं आप लोगों को सभी डिटेल्स के बारे में बता दूंगी कि कंसल्टेशन फीस क्या है, कौन सा डेट अवेलेबल है एंड सो ऑन। एंड मैं बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसल्टेशंस मैं लेती हूँ। तो एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, साल के शुरू में ही आपका 10th हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस में ही रहेंगे। ओके तो आप लोगों को एंड जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन पे नहीं रहेंगे। इससे पहले तक जुपिटर रेट्रोग्रेशन में थे, बट अभी क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में नहीं है, डायरेक्ट मोशन में है, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर करियर में कोई चीज स्टक था इससे पहले, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि साल के शुरू में आफ्टर 17th ऑफ जनवरी धीरे धीरे आपके वर्क स्पेस में चीजें जो है वो पॉजिटिव डिरेक्शन में मूव होंगे। अब मैं 17th ऑफ जनवरी का डेट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए आपका 9th हाउस लॉर्ड 17th ऑफ जनवरी तक जो है वो 8th हाउस में रहेंगे, क्योंकि 9th हाउस आपका लक एंड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो 8th हाउस में है। तो इसी एंड 8th हाउस से सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो कार्मिक होता है, वो बहुत ज्यादा डिले करता है किसी भी चीज को। तो कैरियर में फिर भी स्टकनेस रहेगा थोड़ा सा ही सही। तो आफ्टर 17th ऑफ जनवरी जैसे ही सैटर्न अपने मूल त्रिकोण साइन एक्वेरियस साइन में मूव करेंगे, यानी आपके 9th हाउस में मूव करेंगे, तो क्या होगा, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में से हट जाएगा, जिसके वजह से जुपिटर फ्री होके अब आपके कैरियर लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाएगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो किसी भी मूवेबल असेंडेंट के लिए उसका 7th हाउस लॉर्ड उसका नेचुरल भादकेश लॉर्ड होता है, यानी जेमिनाई लग्ना के लिए जो 7th हाउस है, 7th हाउस लॉर्ड कौन है, जुपिटर है। तो जुपिटर आपके 10th हाउस में है, हालांकि वो 10th हाउस लॉर्ड है, तो इसी वजह से वो अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके कैरियर लाइफ को प्रोटेक्शन देंगे। बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड क्या इंडिकेशन दे रहा है आपके कैरियर के लिए, एंड आपके हॉरोस्कोप में अदर प्लैनेटरी पोजिशन कैसा है, आपके हॉरोस्कोप में 10th हाउस में अष्टक वर्ग का स्कोर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपका भादकेश लॉर्ड यानी ऑब्स्टकल गिविंग लॉर्ड है। तो जुपिटर पूरी तरीके से बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। बट अगर आपका करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड कैरियर में पॉजिटिव चीजें इंडिकेशन कर रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली आफ्टर 17th ऑफ जनवरी धीरे धीरे आपका कैरियर लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करेगा। एंड आफ्टर 22nd ऑफ अप्रैल 2023 जब आपका 10th हाउस लॉर्ड जुपिटर एरीज राशि में मूव करेंगे, यानी आपके 11th हाउस में मूव करेंगे, तो तब मोस्ट डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिल सकता है, बहुत सारा न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और नए तो कम से कम आपका आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा इस वक्त। बट बी वेरी केयरफुल, जैसे ही सैटर्न आफ्टर 17th ऑफ जनवरी 2023 में एक्वेरियस यानी आपके 9th हाउस में मूव करेंगे, तब क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ेगा, जहां पे ऑलरेडी राहु मौजूद है। अब राहु क्योंकि आपके 11th हाउस में है,
एंड एक फायरी साइन ऑफ एक्वेरियस में है, सॉरी एरिस में है, तो ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि राहु भरिणी नक्षत्र में आते वो कैसा रिजल्ट देंगे, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही राहु एक बहुत ही मतलब मेलिफिक प्लैनेट है और वो भोग कार का है, तो राहु जिस किसी भी घर में जाते हैं उस घर से रिलेटेड भोग को वो एंजॉय करने में हमको हेल्प करता है। अब क्योंकि 11th हाउस जो है वो नेचुरली हम लोगों के हॉरोस्कोप में हमारा होप्स विशेस डिजायर्स इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में होप्स विशेस एंड डिजायर्स जो है वो बढ़ने लगेगा, और ऑलरेडी वो बढ़ना शुरू हो गया है जब से राहु आपके 11th हाउस में आए हैं। तो क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके 11th हाउस में है, तो ऑब्वियसली आपके होप विशेस एंड डिजायर्स में बहुत ही ज्यादा वृद्धि आएगा। पर जैसे ही सैटर्न एक्वेरियस में मूव करेंगे, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में आएगा, आपको लगेगा कि मुझे अभी ये मतलब मुझे जो आपका जो भी डिजायर है वो मुझे अभी चाहिए, पर सैटर्न आपको मतलब काम करवाएगा उसके तरफ, आपको वो चीजें तभी मिलेंगे जब आप उसके तरफ बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, आप लोग डेडिकेटेड रहेंगे एंड पेशेंटली आप लोग काम करते रहेंगे, परसिवियरेंस आप लोग दिखाएंगे एंड तब भी आपको वो चीज सैटर्न देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि सैटर्न आपको प्रिपेयर करेंगे ताकि वो चीज आपको मिलने के बाद उस चीज को आप बर्बाद ना कर दो, सेल्फ सैबोटेज ना करें, इसी वजह से सैटर्न आपको प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे होगा कि बहुत टाइम डिले हो रहा है, अब क्योंकि राहु एक बहुत ही इंपल्सिव प्लैनेट है, तो राहु चाहेगा मुझे अभी चाहिए, पर सैटर्न उसको उसका लगाम खींचेगा कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, तो एक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि मतलब 11th हाउस जो है वो एक ट्रिक हाउस है, वो हाईएस्ट ऑफ ट्रिक हाउस है। ओके, तो ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है, तो जितना ज्यादा आपके अंदर डिजायर्स बढ़ेंगे 11th हाउस एंड राहु उतना ही ज्यादा आपको ट्रिक करेंगे, यानी उतना ही ज्यादा ट्रिकी पोजीशन में आपको डालेंगे ताकि आप लोग कोई रॉन्ग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और ये आपका लेसन है कि आपको उतना ही डिजायर करना है जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अचीव कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। राहु एंड सैटर्न इसी चीज को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो बी वेरी केयरफुल कि आप लोग क्या डिजायर कर रहे हो एंड वो आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं, ऑनेस्टली उस चीज को आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे ही आफ्टर 22 अप्रैल 2023 बी वेरी केयरफुल ऑफ योर प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का मतलब है कि प्रोफेशन यानी काम के वजह से जिन लोगों को आप जानते हैं, मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके ऑफिस में जो कलीग्स है, जो फ्रेंड है, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है। ओके, तो क्यों क्यों मैं इस चीज को कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ही आफ्टर 22 अप्रैल 2023 में जुपिटर आपके 11th हाउस में मूव करेंगे, तो नेचुरली एक गुरु चंडाल योगा बन रहा है। अब राहु एक कैमिलियन प्लैनेट है, ऊपर से सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में है, जुपिटर आपका 10th हाउस लॉर्ड है जो कि 11th हाउस में जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका करंट महादशा एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर प्रमोशन को इंडिकेशन दे रहा है तो प्रमोशन तो होगा, बट इसके वजह से क्या होगा ना कि आप क्योंकि एक नेचुरल गुरु चंडाल योगा बन रहा है, तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में वृद्धि होगा। नेचुरली जुपिटर का काम है एक्सपैंड करना, वृद्धि करना। 11th हाउस में जैसे ही जुपिटर जाएंगे, ऑलरेडी राहु तो वहां पे है ही, तो दोनों के वजह से आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में ह्यूज ग्रोथ आएगा, पर नॉट नेसेसरीली वो लोग आपके लिए अच्छे होंगे। मोस्टली आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन योर नेटवर्क सर्कल दे आर नॉट गुड फॉर यू। आपके मोस्टली आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में जो लोग रहेंगे वो लोग फेक होंगे। आपके पास मतलब आपके पास ग्रोथ है वो उन लोगों को कोई फायदा हो सकता है, और आपके करियर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है इसी वजह से वो लोग आए हैं। आप लोग देखेंगे कि वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, पर अगर किसी तरीके से आप लोगों ने उनको हेल्प करने के लिए कहा किसी चीज में, वो लोग नहीं करेंगे, बहाने देंगे। तो बी वेरी केयरफुल कि आप उन किसके साथ कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन बाद में मिसयूज हो सकता है।
तो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में किसको आपको ट्रस्ट करना है और किसको नहीं करना है, ये भी एक लेसन है जो राहु जुपिटर एंड सैटर्न ये तीनों मिलकर आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में थोड़ा सा ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए। ओके, बट साल के शुरू में कम से कम 13 मार्च तक आप देखेंगे कि एक विपरीत राजयोग बन रहा है। अगर मैं उसको दिखा दूं आपको, देखिए 17 फरवरी, उसके बाद 13 मार्च को, 13 मार्च तक मार्स जो है, जो कि आपका 11th हाउस लॉर्ड है एंड आपका 6th हाउस लॉर्ड ऑफ डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन वाला एक लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में है। तो ये एक विपरीत राजयोग है। तो देखेंगे ऑब्स्टकल एंड एनिमी को डिफीट करने के बाद आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको गेन्स मिलेगा। तो देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप लोग प्रॉपरली उसके तरफ काम करेंगे। अगर आप लोगों ने काम नहीं किया, प्रॉपर एफर्ट आप लोगों ने नहीं डाला, तो नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग, एंड क्योंकि जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, एंड जैसे ही जुपिटर आपके 12th हाउस में मूव करेंगे, आप लोगों को एक चीज मैं दिखा देती हूँ, जैसे ही आपके 11th हाउस में जुपिटर मूव करेंगे, देखिए राहु एंड जुपिटर दोनों ही अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की तरफ वो लोग अपना दृष्टि डाल रहे हैं। तो एंड साथ ही में आपका 9th हाउस लॉर्ड सैटर्न भी अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। अब वो आपके काम के वजह से भी हो सकता है, और नहीं तो अगर आपका कोई छोटा भाई या फिर बहन है, वो लोग भी किसी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में वो लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर वो लोग एजुकेशनल फील्ड में है तो उन लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग खुद भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग पार्ट लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। बट आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु नेचुरली आपके एरीज साइन में 11th हाउस में है, तो ऑब्वियसली वो ईगो आपके अंदर बढ़ाएंगे। अब जुपिटर का भी काम है कि वो एक्सपैंड करेंगे। नेचुरली जुपिटर एंड राहु के वजह से गुरु चंडाल योगा बन रहा है, तो नेचुरली जुपिटर का बहुत सारा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ राहु को कंट्रोल करने में जा रहा है। ऊपर से जुपिटर के ऊपर सैटर्न का भी 3rd एस्पेक्ट है, तो जुपिटर बहुत ही ज्यादा मतलब अपना एनर्जी राहु एंड सैटर्न के ऊपर मतलब खर्चा कर रहा है। तो जुपिटर के पास फुल पावर नहीं है कि वो आपके कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रख पाए। एंड एरीज क्योंकि एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो जुपिटर जैसे ही एरीज साइन में मूव करते हैं ना, तो जुपिटर के अंदर भी एक फायरी एनर्जी आ जाता है। जुपिटर एक आर्मी जनरल जैसा बिहेव करने लगता है। तो इस वक्त आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही हार्श हो सकता है, बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकता है। खास करके अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोग शायद उनके अच्छे के लिए ही आप लोग उनको डोमिनेट करेंगे, तो उनको ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग सकता है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप लोग कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर ज्यादा ईगो आपने दिखाया कम्युनिकेशन के ऊपर या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू अगर ज्यादा ईगो आपके अंदर से निकल के आया, तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके ईगो को दबा देता है, तो तब चीजें पॉजिटिव होने के जगह पे नेगेटिव हो जाएगा। वैसे आपका फाइनेंस जो है वो अच्छा होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी 2023 में अच्छा ही रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर। तो क्योंकि जुपिटर आपका 7th हाउस लॉर्ड है, वो आफ्टर 22 अप्रैल 2023 वो आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स में आ जाएंगे, एंड बोथ राहु एंड जुपिटर आपके 7th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आपका करंट महादशा एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपका मैरिज हो सकता है। बट अगर आप लोग सिंगल है, तो मोस्ट डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है। बट बी वेरी केयरफुल कि किस इंसान को आप ट्रस्ट कर रहे हो फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि राहु इस वक्त है, तो हो सकता है कि कोई मतलब रिलेशनशिप के तरफ कोई इल्यूशन हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ और ही है, कोई
कुछ कार्मिक रिलेशनशिप भी इस वक्त बन सकता है, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपके देखिए आपके फिफ्थ हाउस ऑफ रोमांस में ऑलरेडी केतु मौजूद है। अब केतु जो है वो मोक्षाकार का है, केतु एंड राहु दोनों ही बहुत ही कार्मिक प्लैनेट्स है। ओके तो केतु क्योंकि 8 जुलाई 2023 तक स्वाति नक्षत्र में ही रहेंगे, तो स्वाति नक्षत्र का जो रूलर है वो राहु है, वो आपके 11th हाउस में है आपके 7th हाउस लॉर्ड के साथ। ओके तो इस वक्त आइदर कुछ अच्छा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है बेस्ड ऑन योर ओन हॉरोस्कोप, ठीक है, और नहीं तो कोई कार्मिक पर्सन भी आ सकता है। तो आपको अगर कोई भी रिलेशनशिप नया है तो प्लीज जज कीजिए, अच्छे से इंफॉर्मेशन लीजिए कि वो कौन इंसान है और किसको आप ट्रस्ट कर रहे हो फॉर योर रिलेशनशिप, उसके बाद ही उस इंसान को एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। अपने अंदर जो मतलब डिजायर्स है उनको थोड़ा संभाल के रखिए, अदरवाइज आपका खुद का डिजायर आपको ट्रिक करेगा। ओके आफ्टर 8 जुलाई 2023 केतु चित्रा नक्षत्र में मूव करेंगे। जब केतु चित्रा नक्षत्र में मूव करेंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र का रूलर यानी ग्रहाधिपति मार्स है, तो जब इस वक्त क्या होगा ना, केतु के अंदर मार्शियन क्वालिटी एंड विनेशियन क्वालिटी दोनों क्वालिटी ही रहेगा, साथ में जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो ऑब्वियसली जुपिटर का एक, क्योंकि जुपिटर आपका 7th हाउस लॉर्ड है, तो रोमांस जो है वो बढ़ेगा इस वक्त। बट जो मतलब चित्रा नक्षत्र का मतलब क्या है पता है, जब चित्रा नक्षत्र लीब्रा राशि में होता है तब चित्रा नक्षत्र का मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप को कितना ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, कितना ज्यादा आप अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड आपका रिलेशनशिप को कैसे आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा मतलब होपलेस रोमांटिक के तरह अगर आप लोग बिहेव करेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप लोग बहुत ज्यादा अपने होप्स विशेस एंड डिजायर्स की तरफ फोकस करेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होगा। तो खास करके 2023 में आपको अपना लव लाइफ, आपका रोमांटिक लाइफ एंड आपका जो प्रोफेशनल साइड है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों को अच्छे तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का मतलब ऑलरेडी मतलब शादी हो गया है, अगर आप लोग पेरेंट है, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ आपको मतलब उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करना पड़ेगा, उनको भी टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका बच्चा है, आपका शादी हो गया है, आपका कोई रोमांटिक लाइफ अभी उतना एग्जिस्ट नहीं करता है, उतना मैटर नहीं करता है, तो आप पूरा ध्यान अपने प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन में लगा देंगे। आप लोग देखेंगे कि अगर आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान एंड अटेंशन नहीं दिया, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ेगा 2023 में, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके अब हम लोग आते हैं आपके एडुकेशन साइड में। तो आफ्टर 22 अप्रैल 2023 क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, राहु आपके 5th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त क्या होगा कि अगर आप लोग मतलब आप लोगों के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगा कि आप अपना एडुकेशन के तरफ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ओके एंड ऑब्सेसिवली अपने एडुकेशन के तरफ आप लोग ध्यान देंगे, कैसे आप अपने पढ़ाई को एज सुन एज पॉसिबल खत्म कर सकते हैं। तो 2023 आपके एडुकेशनल अचीवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड अगर मैं देखूँ तो देखिए 2023 में 11th मई यानी मई के इस टाइम में आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके एसेंडेंट पे है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव राजयोग है एडुकेशनल गेन्स एंड अचीवमेंट के लिए। साल के शुरुआत में ही आप लोग देखेंगे कि आपका वीनस जो कि आपका 5th हाउस लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में है, तो हायर लर्निंग एंड हायर एडुकेशन के लिए भी साल के शुरू से ही टाइमिंग जो है वो अच्छा है। 5 जनवरी से आपका जो वीनस है वो आपका 5th हाउस लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में है विथ योर 9th हाउस लॉर्ड, तो अगर आप लोग हायर लर्निंग हायर एडुकेशन में है, पीएचडी करना चाहते हैं, अपने एडुकेशन के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। आफ्टर दैट वीनस आपके 10th हाउस में जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे, तो ऑब्वियसली जब आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके 11th हाउस में जाएंगे तो ऑब्वियसली अचीवमेंट तो होगा ही। मैं दिन बोल देती हूँ कब होगा, ये मार्च के महीने में, तो ऑब्वियसली
2023 जो है वो आपके एजुकेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए भी 2023 जो है वो बहुत ही एक अच्छा टाइम है। हायर लर्निंग एंड पीएचडी के लिए भी ये टाइम अच्छा है। ओके, अब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो साल के शुरू में ही आप लोग देखेंगे कि आपका जो 6th हाउस लॉर्ड है जो कि हेल्थ एंड इलनेस डिजीजेस इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो आपके 12th हाउस में है। तो इस वक्त आपके हेल्थ के वजह से आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कम से कम 13th मार्च तक आपका 6th हाउस लॉर्ड मार्स आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो 13th मार्च तक क्या होगा कि आपके हेल्थ के वजह से आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, नहीं तो आपके हेल्थ के वजह से खर्चा हो सकता है क्योंकि 12th हाउस नेचुरली 12th हाउस जो है वो खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। अब मार्स जब तक 12th हाउस में है तब तक आपके नींद में डिस्टरबेंस आ सकता है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हो जिसके वजह से आपके नींद में डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, तो इस वक्त आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ की तरफ। एंड क्योंकि सैटर्न जो है वो भी आपके 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो सैटर्न देखिए एक मेलिफिक प्लैनेट तो है ही एंड सैटर्न आपका 8th हाउस लॉर्ड भी है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि आपके हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है खास करके हार्ट के आसपास किसी एरिया पे आपको थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मतलब इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। ओके, अदरवाइज उसको लेके प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि देखिए आफ्टर 13th ऑफ मार्च 2023 भी क्या होगा ना कि मार्स आपके लग्ना पे आएंगे तो तब भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू या फिर स्ट्रगल हो सकता है। जैसे ही आफ्टर 10th में मार्स जो है वो आपके लाइक कैंसर राशि में मूव करेंगे तो तब आपके फैमिली के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपको अगर थोड़ा सा ही हेल्थ इशू हो रहा है तो आपको खास करके साल के शुरू में अगर कुछ भी हेल्थ रिलेटेड आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का ईयरली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।